मेरा नाम राधेश्याम सैनी है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और ये मेरा बेटा पीयूष है, इसको 2007 से गेहूँ से एलर्जी की शिकायत थी। हमने जेके लोन के डॉक्टर वगैरह और भी बच्चों के डॉक्टरों को इसको खूब दिखाया, खूब दवाइयाँ वगैरह खूब दिलवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसको गेहूँ खाने से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द वगैरह ये होते थे, जिससे ये कुछ भी खा नहीं सकता था। इसको मक्के, बाजरे की रोटी वगैरह ये खिलानी पड़ती थी और डॉक्टर बोल रहे थे भाई अब ये इसके गेहूँ बंद ही रहेंगे, इसको चावल की रोटी और यही खिलाओ जिसमें ग्लूटेन नहीं हो। फिर हमने वो दवाइयाँ दिला के खूब दवाइयाँ दिला ली। फिर उसके बाद में हमने किसी मिलने वाले ने बताया कि डॉक्टर डीएल गंगवाल को एक बार दिखा लो, तो हमने उनसे मिले, डॉक्टर साहब से मिले। मिलने के बाद उन्होंने दवाइयाँ चालू कर दी। दवाइयाँ चालू करने के तो महीने बाद ही उन्होंने एक टाइम गेहूँ चालू कर दिया था, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर दो तीन महीने बाद उन्होंने दोनों टाइम गेहूँ की रोटी चालू कर दी और गेहूँ की दवाइयों से इसको कोई परेशानी नहीं हुई। गेहूँ खाते ही न पेट में दर्द हुआ, न उल्टी वगैरह, सब सही हो गए और वजन भी बढ़ रहा था, हाइट भी बढ़ रही थी और अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दवा बंद किए आपको कितना समय हो गया? दवा बंद किए 4-5 साल हो गए और दवा बंद करने के बाद भी गेहूँ वगैरह सब ये रेगुलर खा रहा है, इसमें कोई इसको परेशानी नहीं हो रही।